फ्रेश एलोवेरा जल दुकान पर मिलने वाले जेल से कई गुना ज्यादा फायदेमंद होता है अगर आप भी डेली एलोवेरा जल चेहरे पर इस्तेमाल करती हैं लेकिन रोज रोज पत्ती को तोड़कर निकालने का मन नहीं होता तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है इसकी मदद से आप एलोवेरा को ज्यादा दिन तक फ्रेश स्टोर कर सकते हैं चलिए जानते हैं वीडियो में आगे कैसे हम इसे स्टोर कर सकते हैं लंबे समय तक एलोवेरा को नेचुरल रेमेडी के रूप में भी जाना जाता है यह कई हेल्थ बेनिफिट से जुड़ा है साथ ही त्वचा को मॉइस्चराइज करने से लेकर धूप में जलने के इलाज तक एलोवेरा बहुत ही मददगार साबित हो सकता है इसके जेल को लगाने के साथ इसका सेवन भी किया जा सकता है वैसे तो इसे आप दुकान से बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं लेकिन यदि आपके आसपास या घर में एलोवेरा का पौधा है तो इसके जेल को आप फ्रेश निकाल कर भी यूज कर सकते हैं हालांकि एलोवेरा जेल की शेल्फ लाइफ बहुत ही कम होती है रूम टेम्परेचर पर रखा होने पर यह दो घंटे में ही खराब हो जाता है ऐसे में इसे लंबे समय तक स्टोर करने के तरीके पता होना बहुत ज़रूरी है तो चलिए जानते हैं वीडियो में आगे वीडियो को अंत तक जरूर देखें पहला है इसमें नारियल तेल मिला रखें एलोवेरा जेल को लंबे समय तक फ्रेश स्टोर करने के लिए आप इसमें नारियल तेल मिला सकते हैं ऐसे में जब भी आप एलोवेरा जेल पत्तियों से निकालें तो इसे साफ़ एयर टाइट कंटेनर में रखकर इसमें एक चम्मच नारियल तेल मिला दें फिर इसे फ्रिज में रखकर महीनों तक यूज़ करें दूसरा है जेल को फ्रिज में जमा कर भी रख सकते हैं जेल जमा हो गया है तो आप इसका आइस क्यूब बना सकते हैं इसे आप एलोवेरा जेल लंबे समय तक इस्तेमाल कर पाएंगे साथ ही बहुत ही आसान तरीका भी है जेल को स्टोर करने का तीसरा है इसमें विटामिन सी मिलाकर रख सकते हैं एलोवेरा जेल में विटामिन सी मिलाकर भी इसे लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है इसके लिए एलोवेरा जेल निकालें और इसे ब्लेंडर में ट्रांसफर करें फिर इसमें नींबू का रस मिलाएं क्योंकि यह विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है इसे एक साथ मिलाने के बाद मिश्रण को एक कंटेनर में डालें और रेफ्रिजरेटर में स्टोर करें तो इस तरीके से अगर आप भी एलोवेरा डेली यूज करती हैं तो इस तरह से आप खुद से ही एलोवेरा की पत्तियों को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं